सो दोस्तों सांप दिख रहा है, देखो ये सांप है, ये सांप हमारे रूम के बाहर आ रहा है दोस्तों, देखो वही और तो जाली पे चढ़ रहा है, देखो हाँ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं दोस्तों, फिर से हम पढ़ाई लिखाई पे, और बस रूम पे यही काम होता है, हो गया खाना खाओ, पढ़ाई लिखाई करो, सो, बस क्या काम है। तो सोचो अभी हम थोड़ा सा अभी पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा नहीं पूरा दिन भर ही करते यार, तो पढ़ाई कर रहे थे इस समय हमको। क्या बोला, सांप निकला हमारे रूम के साइड में। हमारे रूम के साइड में एक सांप निकला है, जो वीडियो क्लिप मैंने बनाया हूँ पीछे से, चुपके से एकदम उधर बाहर निकला, ये जाली से चढ़ रहा था, पीछे दिख रहा है खिड़की, ये जाली से चढ़ रहा था ऊपर, तो हमने उसको वीडियो बनाया चुपके से। और कामेश ने पता नहीं कैसा कैसा देख लिया, कामेश ने तो कामेश ने देखा और हमने वीडियो बना लिया एकदम खतरनाक। अगर रात वात में घुसा रहता वहां से छेद भी है साइड से, रात में हाँ, तो रात में घुस जाता पूरा रात में घुसा रहता तो आवाज लगा रहता। समस्या होती है अगर रात में ही घुस अभी जाता वो भी तो। छेद है देखो, उधर के कोने से दो कोना में छेद है, वहां से नहीं घुस सकता वो, इधर से घुसने की नहीं कोई, घुसे तो वहां से भी घुस सकता था, वहां से वो फेंक है लेकिन वो छोटा सा है ना देखना, खुला नहीं है, हमको पता है खुला नहीं है, थोड़ा सा जो इधर से मतलब घुसता, लेकिन घुसता, इधर से घुस जाता कोशिश कर वो। रहा था, पूरा चिपक गया था उसको क्लिप में, वीडियो में बनाया था उसमें, क्लिप में चिपक गया था ऐसा, जैसा देखा मेरे को कैमरे को वैसा भग गया नीचे। सो दोस्तों बहुत खतरा बना रहता है, वैसे आप भी अच्छे से रहिए, अगर रहते होंगे घर पे तो जाली वाली लगवा के रखिए खिड़की में, अगर पुराना वराना घर है तो उसमें तो नहीं है व्यवस्था, लेकिन नए घर बनाए तो जरूर जाली लगाए खिड़की में। फिलहाल हम अभी कर रहे हैं पढ़ाई, अब हम हमारे पास टाइम नहीं है अभी ज़्यादा, और आजकल तो वीडियो बहुत कम आता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया या पढ़ाई करना जरूरी है। तो दोस्तों बनी रही कंटिन्यूस ब्लॉग में, लास्ट एंड तक के देखते रहिए, फुल एंजॉय कीजिए। चलिए सो दोस्तों सांप दिख रहा है, देखो ये सांप है, ये सांप हमारे रूम के बाहर आ रहा है दोस्तों, देखो वही और तो जाली पे चढ़ रहा है, देखो रिटर्न जा रहा है, रिटर्न रिटर्न। तो इधर दोस्तों भी हम आपको दिखाते हैं मुर्गा यहाँ का, देख लिया साइड में हमारे बैक कैमरा में आई। काफी बेहतरीन है, बड़े बड़े कामेश क्या कर रहा है तो देखते, कामेश तो उधर तमाम मस्ती में लग रहा है, कामेश एकदम खतरनाक पे है, खबर ही देख रहा हूँ, कॉमेडी सीरियल है, वाह। मनोरंजन किया। हाँ हाँ सही बात है यार, दिमाग घस घस के पूरा थोड़ा गर्म हो जाता है गर्म क्या, हो जाता है, इसलिए ठंडा करना जरूरी है यार। ठंडा करना जरूरी किया, कितना देखो भाई टाइम हुआ, 3:30 आधा घंटा अभी और एंजॉय कर लेते बढ़िया, फिर उसके बाद में फिर वो पढ़ाई में लगते हैं, तो 7 बजे तक की फुर्सत। चल ऊपर से आएंगे थोड़ी देर में, कपड़े वपड़े ला लेते हैं, भाई ऊपर जाएंगे थोड़ी देर में है ऊपर कपड़े लाने के लिए, शाम जाएंगे शाम को। नहीं को 6 बजे ठंडा हो जाएगा पूरा। कुछ ना कुछ चल ठीक बा, करके थोड़ी देर में चलेंगे ऊपर, और फिलहाल अभी यहीं पे है, तो हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, कॉमेडी वॉमेडी देख लेते हैं, दिमाग थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, गर्म हो जाता है एकदम पूरा घस घस के घस घस के, इसको लॉक करते हैं ऐसा। हम इस खाली पीले हम इंजॉय कर रहे हैं वह। सो यहाँ पे जब भी सांप था दोस्तों, यहाँ पे वो भग गया किधर भगा तो मालूम नहीं, और मुर्गिया उर्गिया चिल्ला रहे थे सब। तो बनी रही ब्लॉग में कंटिन्यू, लास्ट तक के फुल इंजॉय कीजिए, देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, क्या काम है। यस यस मुर्गे लोग यार बहुत परेशान कर देते, दिमाग खराब कर देते हैं, देख चालू हो गया इनका फिर से, और कब बेचेंगे इनको तो पता नहीं है, दिमाग खराब, चा चा काको कुकू चालू हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया,
होता है वो बोलता था यार। क्या हो गया थोड़ा आवाज आता है अच्छा अलार्म शुरू बोला जब भी और चिल्ला रहे थे भाई गया फिर चुप रहा हो गया एकदम दिमाग खराब करके रख देते हैं यार। धीरे धीरे तेरा हुआ अबे जल्दी जल्दी सुन ना यार धीरे धीरे काहे हो रहा है ऐसा धीरे धीरे टाइम लगता है जल्दी जल्दी से हो। तो दोस्तों अभी आए हुए हैं हम छत के ऊपर स्लैब में और इधर यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने के लिए आए हैं क्योंकि शाम को हम यहीं पे पढ़ते हैं और सुबह भी आके यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं। कुछ ऐसी जगह है यहाँ पे जगह बुक है तो बनी रही उस ब्लॉग में कंटिन्यू लास्ट तक के वो देखते रहिए फुल एंजॉय कीजिए दोस्तों। देखिए इधर बिल्डिंग है पूरी और बस हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में और कामे से आने वाला है कितने समय आएगा तो अभी देखते आते हैं आएगा तो यार तीन साल चलना चाहिए एग्जाम के होते वक्त हाँ ये क्या धूल है क्या है पाउडर कोरोना है ना पढ़ाई करना छोड़ देते लड़के। हाँ ये बात सही है पेपर नहीं होता ना फिर लेट होता है उम्र हो जाता है खत्म हम इसको छोड़ देंगे पढ़ाई करना क्या करेगा बोलेगा पढ़ाई फिर वो चाहे ये एग्जाम चालू कर दो साल से नहीं निकला था नहीं 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 एक साल बड़ा है क्योंकि एक ही साल नहीं हुआ है बस भर्ती 2020 में बाकी अभी 21 में और उनका 2 साल का नुकसान हुआ है 2 साल बढ़ा दे तो अच्छा है हमारे लिए।
सो दोस्तों अभी हम लाए हैं जलेबी और खाने वाले हैं अभी दोनों साथ में। देखो पार्टी सार्टी तो बनता है एकदम। इसको लगाते हैं खतरनाक जगह पे। ले अब ये कामिश उठाइए नवेदम की जलेबी। वेरी इंटरेस्टिंग बाम मास्टर मजा आ गया। आनंद ही आनंद। वाह वाह। हम कल ही जाने वाले थे लेकिन ना कल जलेबी मिला नहीं। मेला लग रहा है तो वहां पे दुकानें कम थी और टाइम भी हो गया था इसलिए थोड़ा लेट आया और जलेबी नहीं लिया। आज लिए मजा आ गया लेकिन खाने में। इस साल की जलेबी पहली बार उसे ज्यादा खाते नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ही बढ़िया मजा आ गया यार। मैं सुबह खाना खा रहा है अभी। क्या सब्जी का मिस आलू भट्टा। सब्जी एक्चुअली मैंने बनाया था और मेरा जल्दी हो गया खाना खा के और कामेश खा रहा है अभी। और अभी हम कर रहे हैं पानी गर्म क्योंकि कोरोना वायरस जो है तीसरी लहर बढ़ना चालू हो गया है अभी। क्या कामेश तो उससे सतर्क ना रहे उसके पास जाए क्यों कामेश ऐसा है। तो दोस्तों पानी कर रहे हैं अभी गर्म और बस कोरोना वायरस का जो प्रकोप हो गया तीसरा लहर कहाँ से शुरू हुआ है कामेश अभी साउथ अफ्रीका से चालू हो चुका है। तो उससे बचने के लिए भी गर्म पानी पीना पड़ेगा। शायद कभी भी हमारे इधर आ सकता है वो क्योंकि दो तीन देशों में फैलना शुरू हो गया है वो और बहुत हैवी वाला ड्राइवर करते आ रहे हैं बोल रहे हैं बहुत हैवी ड्राइवर है बोल रहे हो क्यों का बस। जो भी पानी गर्म गर्म हम करके पीते हैं बढ़िया और फिर बर्तन वर्तन धोना पड़ेगा दोस्तों हमारा। यही तो लाइफ है रूम में रहने के लिए पढ़ाई करने का अपना काम खुद करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। आई होप आज कोई ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करें दोस्तों और लाइक करें डिसलाइक मत करें कमेंट करना ऐसा लगा था ब्लॉग। ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाडे में।